अस्सलाम वालेकुम। तो चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट में हमारे पास बायनोमियल नोमेनक्लेचर आ जाता है। अब जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा कि एक वास्ट अमाउंट ऑफ स्पीशीज मौजूद है इस दुनिया के अंदर, तो उसकी वजह से एक ऐसे सिस्टम की ज़रूरत हमें पड़ी जो नेमिंग कर सके इन ऑर्गेनिजम्स की। उसके लिए कैरलस लिनियस ने, एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट था, उसने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया 1707 से 1778 AD के अंदर, जिसका नाम था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसके अंदर नाम को दो हिस्सों पर डिवाइड किया गया था, फर्स्ट नेम जीनस नेम और दूसरा नेम था स्पीशी का नेम उसी प्लांट का। उसके बाद कुछ रूल्स इस्तेमाल किए गए इस नाम के लिए, इस नाम को लिखने के लिए, इस नाम को इस्तेमाल करने के लिए। पहला तो ये कि जब भी इस नाम को लिखा जाए, प्रिंट करवाया जाए, तो इटैलिक फॉन्ट यूज़ किया जाए, जैसे कि यहाँ होमो सेपियन के लिए किया गया इटैलिक। और जब हाथ से लिखा जाए इसे, तो उसे अंडरलाइन करना हमेशा। उसके अलावा जो फर्स्ट नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हमेशा होगा, जैसे होमो का एच कैपिटल है, और सेकेंड नेम का फर्स्ट लेटर हमेशा स्मॉल होगा, जैसे यहाँ पर सेपियन का स्मॉल एस। ये कैपिटल नहीं करना और ये कभी स्मॉल नहीं करना, ये सेकंड रूल है उसका नाम का। थर्ड ये कि अगर आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं और उसमें आपने होमो सेपियन लिखा, एक दफ़ा फर्स्ट दफ़ा जब आपने लिखना है उसमें पूरा होमो सेपियन लिखना है, उसके बाद आप एच डॉट सेपियन भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एशेरिशिया कोलाय लिखा आपने एक दफ़ा, तो उसके बाद आप ई डॉट कोलाय भी यूज़ करें तो कोई हर्ज नहीं है इसमें। अब क्यों हमें ज़रूरत पड़ी बायनोमियल नोमेनक्लेचर की? पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें आप, जैसे प्याज है, एक प्याज को उर्दू में प्याज कहा जाता है, अनियन, उसके पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन में कई अलग अलग नाम है, जैसे पंजाबी में गंडा कहा जाता है, उसके अलावा बसाल मुख्तलिफ नाम इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरे मुल्कों में और कई नाम होंगे प्याज के, पर साइंटिफिक नाम इसे दिया गया एलियम सेपा। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि दुनिया में कहीं भी आप जाएं, उन्हें प्याज का पता है नहीं पता, गंडे का पता नहीं पता, एलियम सेपा जब आप इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि एलियम सेपा क्या चीज़ है, क्योंकि पूरी दुनिया में एलियम सेपा ही एक ऐसा नाम है जो दिया गया है प्याज को, कोई और साइंटिफिक नेम प्याज का नहीं है। इसी तरह ये मसला और चीज़ों के अंदर भी आता है, जैसे ब्लैक बर्ड है, ब्लैक बर्ड टर्म यूज़ कव्वे के लिए भी की जाती है और रेवन के लिए भी की जाती है। इस तंगी के बाद एक दूसरी वजह ये कि कोई साइंटिफिक बेस नहीं होती हमारे पास जो हमने नेमिंग की होती है किसी ऑर्गेनिज्म की। जैसे एक मछली एक ऐसा जानवर है जो वर्टिब्रेट है, उसके फिन्स हों, उसके गिल्स हों, पर हमने क्या किया हुआ है, सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश और स्टार फिश, इन सब को हमने फिश तो कहा हुआ है, पर ये फिश की डेफिनेशन पे पूरी नहीं उतरती। अब इन चीज़ों से बचने के लिए बायनोमियल नोमेनक्लेचर को इंट्रोड्यूस करवाया गया, ताकि एक ऐसा सिस्टम हो नेमिंग का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो। जैसे ऑनियन है, अनियन को एलियम सेपा कहते हैं, कॉमन नेम इसका। सी स्टार, ये सी स्टार का नाम है, हाउस क्रो का ये नाम है, तो ये नाम इस्तेमाल किए जाते हैं बायोलॉजी में ताकि कोई मसला दरपेश ना आए। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, अब जैसे जैसे दुनिया तरक्की कर रही है, पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, वैसे वैसे बायोडाइवर्सिटी के लिए मसले बढ़ते जा रहे हैं। जो इंसान ऐसे कदम उठाता है जो कि स्पीशीज़ को और इकोसिस्टम को ख़तरे में डाल देते हैं, इनसे क्या होता है कि जो इकोसिस्टम है उसकी स्टेबिलिटी को ख़तरा होता है। जैसे आप किसी एक पॉइंट को छेड़ें इकोसिस्टम के, सारे एक इकोसिस्टम में जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो एक निज़ाम से चल रहे हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अब एक को भी आप अगर छेड़ दें तो बाकी सब का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता है। जैसे पाकिस्तान की एग्जांपल ले लें, इंसानों के दखल की वजह से और डिफॉरेस्टेशन की दरख्त शरखत काटे, उससे क्या हुआ कि जानवरों में तो रहना जंगलों में, उनका हैबिटेट ख़राब हो गया,
अब जंगल के अंदर इंसानों ने जाके अपनी बस्तियां बना ली, तो जानवरों ने तो कहीं तो जाना था, वो वहां से निकल गए। अब ऐसा वक्त आ गया कि कई स्पीशीज जो पाकिस्तान में मौजूद थी वो या तो इंडेंजर हो गई या फिर एक्सटिंक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, जिनमें लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, इंडियन वाइल्ड लायंस, इंडियन वन और ड्राइनो, स्वैम्प डियर, ब्लैक बक और हैंगल आ जाते हैं। अब मुस्लिम इंसानों का इस पर क्या इफेक्ट है? देखिए, जैसे 10,000 साल पहले दुनिया की पॉपुलेशन थी सिर्फ 50 लाख, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और एक अच्छी खासी तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ी, और आज के दिन पे देखा जाए तो 60 करोड़ आबादी इस दुनिया की, 60 करोड़। तो इन 60 करोड़ लोगों ने इस दुनिया में क्या चेंजिंग लाई कि इन्होंने अफेक्ट किया जंगलों को, अफेक्ट किया पौधों को, अफेक्ट किया इन्होंने जानवरों को, जानवरों से उनका घर छीना, डिफॉरेस्टेशन की, दरख्तों को काटा, पूरे पूरे जंगल उजाड़ दिए अपनी बस्तियां बसाने के लिए, एक्सेसिव हंटिंग की, चाहे वो फिर खाने के लिए की या अपने शौक को पूरा करने के लिए, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज, कोई ऐसी स्पीशी जो एक जगह पर नहीं थी उसे ला के इंट्रोड्यूस करवाया गया, या कोई ऐसी स्पीशी जो एक जगह पर थी उसे ख़त्म कर दिया गया। पॉपुलेशन और क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, एक जगह पे साफ जगह, अच्छी खासे जो हैबिटेट था नॉर्मल वाइल्ड लाइफ का, वहाँ पे आके बस्तियाँ बसाई, वहाँ पर पॉपुलेशन क्रिएट की, क्लाइमेट चेंज की तरफ लेके गए, गर्मी को बढ़ाया, ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेके गए दुनिया को। इससे क्या हो रहा है कि मेजर कॉजेज हैं ये स्पीशीज़ की एक्सटिंक्शन के, जानवरों का हैबिटेट ख़त्म किया जा रहा है, जो कि उसकी वजह से मौत की तरफ जा रहे हैं। एग्जांपल है देखें इसकी, जैसे ये एयुकलिप्टस सफ़ेदा, आप जानते हैं इसे आम अल्फाज में, ये पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान में सफ़ेदे का कोई दरख्त नहीं हुआ करता था, फिर ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में सफ़ेदे के दरख्त लाए गए और इन्हें लगाया गया। इससे क्या हुआ, सफ़ेदा बहुत ज़्यादा पानी पीता, तो इससे यह फ़र्क पड़ता है कि जो इसके साथ इर्द गिर्द के पौधे होते हैं उन्हें पानी नहीं मिलता। इस चीज़ को बग़ैर सोचे समझे सफ़ेदा यहाँ पे लगा दिया गया, उससे क्या हो रहा है कि जो इर्द गिर्द के पानी के लेवल हैं वो भी नीचे जा रहा है, पानी ज़ाया हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट आ रहा है। इसी तरह सी स्टार मसल्स को खाता है, मसल्स एक छोटा जानवर होते हैं। अब अगर हम सी स्टार को गायब कर दें ओशन से, उससे क्या होगा, मसल्स की पोल्यूशन, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी ज़रा फास्ट। इस फास्ट पॉपुलेशन इंक्रीज से क्या होगा कि मसल्स खाते हैं छोटे कीड़ों को, अब वो इतने मसल्स बढ़ते जाएंगे तो कीड़ों की मांग भी बढ़ जाएगी, जिससे कीड़े एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाएंगे, कीड़े मरने लगेंगे, वहाँ पर जब खाने के मसले पड़ेंगे तो मसल्स भी मरने लगेंगे। इसीलिए किसी एक स्पीशी को गायब करने से काफ़ी इफ़ेक्ट होता है पूरी बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। सबसे बड़ा जो इंसानों ने काम किया दुनिया में वो डिफॉरेस्टेशन की, दरख्तों को काटा, सिर्फ अपने रहने के लिए घर बनाए, पेपर बनाया वुड से, फर्नीचर बनाया वुड से, आग लगाने के लिए वुड इस्तेमाल की, उसके लिए उन्होंने पूरे पूरे जंगल उखाड़ दिए। अब डिफॉरेस्टेशन के मेन मसले क्या बनते हैं उससे, अब एक जगह पर दरख्त लगे, पूरा पूरा जंगल लगा था, जड़ों ने मिट्टी को होल्ड किया हुआ था एक जगह पर, सही हो गया। जब दरख्तों को रिमूव कर दिया गया, सॉइल इरोजन स्टार्ट हो गई, मिट्टी हिल गई अपनी जगह से, फिर तेज़ बारिशें आई, उसने मिट्टी को साफ किया, अपने साथ ले गई और दरिया में लेके गई उसे, ठीक है। दरिया में जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स थे मिट्टी के, सारे वो भी बारिश के साथ दरिया में जाते गए। अब सिल्ट और मड जो गारा था, तरखेज गारा, वो दरिया में इकट्ठा होने लग गया। उससे क्या हुआ कि पानी तो था ही, अब नीचे मिट्टी बैठने लगी, जो पानी आ रहा था वो सारा ऊपर आने लग गया, उससे सैलाब आने लगे। सैलाब के बाद वो जो मिट्टी इकट्ठी की, जो डैम बनाए हुए थे, वो डैम्स के अंदर नीचे मिट्टी की तहें लगती गई
और डैम का जो कैपेसिटी थी वाटर स्टोरेज की वो भी कम हो गई। तो एक दरख्त ही काटने से इतने इफेक्ट, इतना नुकसान पहुंचा हमारी इर्द गिर्द को। बिल्डिंग हाउसेस और मेकिंग पेपर, इन दो कामों के लिए सबसे ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की जाती है। अब दरख्त तो काट दिए, पर सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि दरख्त एक्ट करते हैं एज अ फिल्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इंसानों को और बाकी जानवरों को चाहिए ऑक्सीजन, दरख्तों को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड। अब दरख्त काट दिए तो कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू बढ़ी, उससे पोल्यूशन बढ़ी और बायोस्फीयर स्टेबिलिटी को डैमेज किया गया। उसके अलावा दरख्तों से ब्यूटी होती है, टूरिज्म हमारे पाकिस्तान में देख लें, टूरिज्म है इतना, हिल स्टेशन की तरह लोग जाते हैं। और उसकी वजह ये है कि खूबसूरती, पहाड़ों पर दरख्त हैं, इतने खूबसूरत मंजर हैं। पर तेज़ी से डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, दरख्तों को काटा जा रहा है, जिससे हमारे मुल्क की नेचुरल ब्यूटी को भी अफेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद ओवर हंटिंग, एक अरसे से ओवर हंटिंग होती जा रही है मुख्तलिफ कामों के लिए, जिससे वेल्स, आइबेक्स, यूरियल और मारखोर जैसे जानवर एक्सटिंक्शन की तरफ, इंडेंजर्ड स्पीशी की तरफ जा रहे हैं। तो अब मॉडर्न दौर आने के बाद कन्वर्जेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे पाकिस्तान की बात लें तो लॉस्ट ऑफ नेचुरल हैबिटेट और लो लिटरेसी रेट की वजह से लॉस किया जा रहा है नेचुरल हैबिटेट का, डिफॉरेस्टेशन की जा रही है, जानवरों के घर को बर्बाद किया जा रहा है, जिससे बेघर हो रहे हैं और मौत की तरफ जा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह सब तो पॉवर्टी, पॉवर्टी के लोगों को जहाँ से पैसा नज़र आता है वो कहीं से भी, जैसे दरख्तों को काट के बेचने का कोशिश करते हैं, कोई निज़ाम बनाने की कोशिश करते हैं। लो लिटरेसी रेट इसकी बहुत बड़ी वजह है। आप जब तक एजुकेट नहीं करेंगे लोगों को, बताएंगे नहीं कि ये काम करना, ये काम नहीं करना, तो वो तो करेंगे गलत काम। रिसेंट टाइम में IUCN और WWF भी मिलकर, पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ मिलकर इन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं, जैसे कि नेशनल कन्वर्जेशन स्ट्रेटेजी इन 1980s, यूनाइटेड नेशन कन्वर्जेशन ऑफ कम्बैटिंग डिस्ट्रिफिकेशन CCD इन 1997, हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट 1991, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ सुलेमान रेंज बलोचिस्तान 1992, नॉर्दर्न एरिया कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल KP 1992, कंजर्वेशन ऑफ चित्राल चिल्फन मारखोर, बैन ऑन गेमिंग। सबसे बड़ा जो गेमिंग का बैन लगाया वो मारखोर की एक काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को इंडेंजर इसी चीज़ की वजह से हुआ कि उसकी ओवर हंटिंग की जा रही थी, शौक के लिए फॉरेनर्स आके मारखोर को मार रहे थे। अब एक बहुत बड़ा बैन है मारखोर की हंटिंग पे, अगर कोई हंट करता मारखोर को तो उसे अच्छा खासा फाइन देना पड़ता है। इन हरकतों की वजह से कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं पाकिस्तान के अंदर जो इंडेंजर की तरफ जा रही हैं, और ख़तरा है कि नियर फ्यूचर में डेथ, इनकी एक्सटिंक्शन भी हो सकती है। जैसे इंडस डॉल्फिन है जो पाकिस्तान के अंदर ही पाई जाती है इंडस रिवर के अंदर, वो सिर्फ 600 इंडस डॉल्फिन्स पाकिस्तान में रह गई हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह वाटर पोल्यूशन है, जो भी वेस्ट मटेरियल फैक्ट्रीज का होता है, कहीं का भी होता है, उसे रिवर के अंदर बहा दिया जाता है, जिससे उसका नेचुरल हैबिटेट अफेक्ट होता है। उसके बाद मार्को पोलो शीप, जो कि खंजराब नेशनल पार्क का एक जानवर है, वो भी इंडेंजर हो रहा है। उसके अलावा भूरा बस्टर्ड, ये एक परिंदा जो कि रशिया से आता है माइग्रेट करके सर्दियों में चोलिस्तान डेजर्ट की तरफ और थर डेजर्ट की तरफ, अब इसकी भी ओवर हंटिंग की जा रही है। और इसके जो नेचुरल हैबिटेट जो चोलिस्तान डेजर्ट के अंदर जहाँ पे आके ये बसेरा करता था, उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिससे इसकी पॉपुलेशन को भी ख़तरा है। तो मैयर सब लिए जा रहे हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए काम किया जा रहा है, पर इसके लिए हमें खुद आगे आना पड़ेगा और अवेयरनेस बनानी पड़ेगी लोगों के अंदर और सबके अंदर के डिफॉरेस्टेशन से बहुत ज़्यादा, एक मसले की वजह से आगे कई मसले बढ़ते हैं। तो ये था आपका थर्ड चैप्टर, इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर अब सेल बायोलॉजी पे है।
और वो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से हम शुरू करेंगे चैप्टर 4। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।